तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल है और उस प्रोजेक्टाइल को मैं यहाँ से प्रोजेक्ट कर देता हूँ विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो वो 30 डिग्री पे जाके, 30 डिग्री से हमने हॉरिजेंटल से प्रोजेक्ट किया। वर्क डन, फाइंड द वर्क डन व्हेन इट हिट द ग्राउंड। वर्क डन बाई, जब भी वर्क डन आता है तो बाई जरूर आता है, तो वर्क डन बाई, काम वाली बाई नहीं बच्चों, वर्क डन जो है बाई, कौन सा फोर्स वर्क कर रहा। तो भाई जब प्रोजेक्टाइल है तो अंडर ग्रेविटी वो है, तो एक ही तो फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी। तो यहाँ जो वर्क डन बाई जो होगा, ग्रेविटी का वर्क डन, ठीक ना, बात समझ में आ गया। तो अगर मैं ग्रेविटी का वर्क डन यहाँ पे निकालूँ तो देखो आसान है, ठीक ना, मतलब सस्ता सवाल है, आसान है कि अगर यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के बारे में आप थोड़ा सा भी पढ़े हो तो आपको एक बात आइडिया याद होगा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो 2D मोशन होता है। और अगर मैं किसी बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट करता हूँ, ये ऐसे है, अगर मैं यहाँ से प्रोजेक्ट करता हूँ तो जब वो लैंड करता है, इस पॉइंट ऑफ लैंडिंग, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ए इज़ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बी इज़ द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो अगर उसकी कुछ वेलोसिटी यहाँ पर थी, ये जो वेलोसिटी थी कितनी थी यार, 20 मीटर पर सेकेंड थी, तो ये अगर 30 डिग्री है तो उसका हॉरिजेंटल वाला कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा 20 cos 30, और वर्टिकल वाला ऐसे आता है जो कि होता है 20 sin 30, यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है। और जब लैंड करता है तो ये वाला तो चेंज नहीं होता है, 20 cos 30 तो कभी नहीं चेंज होता है, लेकिन लैंडिंग के टाइम जो 20 sin 30 है वो उल्टा हो जाता है, 20 sin 30, डायरेक्शन बदल जाता है, ठीक है। तो जब पॉइंट पर लैंड करेगा, या प्रोजेक्टाइल कहीं भी है, देख लो कहीं भी है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो अगर प्रोजेक्टाइल कहीं भी है तो ग्रेविटी जो होती है, जो वेट है mg, हमेशा सीधा लग रही है, वर्टिकली डाउनवार्ड लग रही है, हमेशा वर्टिकली डाउनवार्ड लग रही है, किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल हो, इवन ए पर भी हो तभी भी, और बी पर भी हो तभी भी। तो जो ग्रेविटी का वर्क डन अगर हमें निकालना है, तो फाइनली जो है, अगर मैं ग्रेविटी का वर्क डन निकालना चाहूँ तो वर्क डन बाई द ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा, ग्रेविटी, और ग्रेविटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट तुम देखोगे तो ग्रेविटी इस पॉइंट पर किधर लग रही, नीचे लग रही थी इस लाइन पे। और अगर वो पार्टिकल ऊपर होता वर्टिकल में, वर्टिकल में तो ग्रेविटी किधर लग रही भाई, वर्टिकली फोर्स जो है वो वाई एक्सिस में लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो वाई एक्सिस का होना चाहिए। तो वाई एक्सिस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ये रेंज है तो इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट आर का मान जीरो है यार। तो वाई एक्सिस में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस ये तो एक्स एक्सिस में है, ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट ये तो एक्स एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई एक्सिस में कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट है जीरो है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज जीरो एट दिस पॉइंट, बी पॉइंट पे। लेकिन अगर पॉइंट कहीं और है, पॉइंट मान लो कहीं और लोकेटेड है, अगर आप ए पॉइंट से यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर ग्रेविटी के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज माइनस, ये वर्क डन बाई ग्रेविटी इस पॉइंट पर आ जाएगा माइनस mg y, ठीक है। और यहाँ पर y की वैल्यू जीरो है, दैट्स वाई इस पॉइंट पर वर्क डन जीरो है, ये ऑप्शन सही है। बाकी किसी पॉइंट पर वर्क डन ग्रेविटी का जीरो नहीं होगा, निगेटिव होगा। तो आई होप आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।